उधर बड़ी खबर आई गर्मी से जुड़ी। दिल्ली एनसीआर में रात का तापमान 33 डिग्री के पार पहुंच गया, रात का तापमान, और 6 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम और न्यूनतम तापमान का घटता अंतर इसकी एक बड़ी वजह है, और इसीलिए दिल्ली एनसीआर में सूरज डूबने के बाद भी मौसम ठंडा नहीं होता है। रात में भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। जून में तो रात के तापमान ने लगातार दूसरी बार रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि रविवार को रात का तापमान 33 डिग्री से ज्यादा रहा और इसने लोगों को परेशान कर दिया। क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक दिन के तापमान और रात के तापमान का अंतर लगातार घट रहा है, जो खतरे की घंटी। क्योंकि दिन में हीट वेव और तपते सूरज की वजह से लोगों को रात में राहत मिलने की उम्मीद रहती है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में रविवार की रात का तापमान 33 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया और पिछले 6 साल का रात के तापमान का रिकॉर्ड टूट गया। क्योंकि पिछले साल यानी 2023 में 16 जून को रात का तापमान 30 डिग्री के आसपास था, जबकि 2019, 2020, 2021 और 2022 में भी जून में रात का तापमान इससे कम था। लेकिन 2018 में 16 जून को रात का तापमान 32 डिग्री से थोड़ा ज्यादा था। लेकिन इसके 6 साल बाद 2024 में रात का तापमान इतना चढ़ गया कि 2018 का रिकॉर्ड टूट गया, क्योंकि इस बार 32 डिग्री नहीं बल्कि 33 डिग्री से थोड़ा ज्यादा दर्ज किया गया। और मौसम विभाग के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सूरज डूबने के बाद भी मौसम ठंडा नहीं हो रहा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में हीट वेव का कहर ही नहीं थमा। नतीजा यह हुआ कि दिन का तापमान 40 से 45 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया और रात का तापमान 33 डिग्री के आसपास। इसका नतीजा यह हुआ कि वार्म नाइट की स्थिति बन गई। जब सामान्य तौर पर रात का अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान में बदल जाए तो वो वार्म नाइट कहलाती है। मतलब अगर रात में सामान्य तौर पर अधिकतम पारा 30 डिग्री सेल्सियस रहता हो और अचानक न्यूनतम पारा 30 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो इसे वार्म नाइट कहा जाता है। और मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में ऐसी ही स्थिति है और अगले कुछ दिन तक वार्म नाइट से लोग परेशान रहेंगे। इसके अलावा अगले कुछ दिन तक हीट वेव का असर भी कम होने का अनुमान नहीं है। इससे दिल्ली समेत उत्तर भारत में हाहाकार मच सकता है। डे टाइम एज वेल एज नाइट टाइम वी आर रिसीविंग हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस। यानी मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के लोगों को आगाह कर दिया कि गर्मी अभी और सताएगी, दिन और रात दोनों समय हीट वेव का असर रहेगा और रात में वार्म नाइट की वजह से पारा चढ़ा रहेगा। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में न दिन का तापमान घटने के आसार है और न रात का, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में कॉन्क्रीट का जंगल फैला है, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतें कॉन्क्रीट से बनी है और मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दिन भर धूप से तपने के बाद कॉन्क्रीट रात में गर्मी छोड़ता है और इस वजह से रात का तापमान और बढ़ जाता है। यानी दिल्ली एनसीआर में कंक्रीट से बनी इमारतें रात में पड़ रही भयंकर गर्मी की बड़ी वजह मानी जा रही हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि सूरज की किरणें जब रेतीले मैदानों पर पड़ती हैं तो जमीन उस गर्मी को सोखती है, लेकिन जब यही किरणें कंक्रीट पर यानी बड़ी बड़ी इमारतों, सड़कों और सीमेंट के फर्श से टकराती हैं तो जमीन उन्हें सोखती नहीं बल्कि वायुमंडल में लौटा देती है। यानी वो गर्म किरणें जमीन की सतह के पास ही जमा होती रहती हैं, जिनकी वजह से तापमान कम होने में सामान्य से कई गुना ज्यादा वक्त लग जाता है। ये परेशानी इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि पेड़ पौधे कम हो गए हैं, इसलिए रात के वक्त भी हीट वेव से राहत नहीं मिलती और इसी का नतीजा है कि दिल्ली एनसीआर में फैले कंक्रीट के जंगल ने रात में भी पारा नीचे नहीं जाने दिया। उधर सऊदी अरब ने प्रचंड गर्मी की वजह से 14 हज यात्रियों की मौत हो गई और 2700 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ने की खबर आई। सऊदी अरब के मौसम विभाग के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से मक्का में भयानक गर्मी पड़ रही है। हज के लिए हर साल की तरह इस साल भी दुनिया भर के लाखों मुसलमान सऊदी अरब के शहर मक्का पहुंचे और एक बार फिर वहां हज यात्रियों के लिए गर्मी सबसे बड़ी चुनौती बन गई, क्योंकि 14 जून से शुरू हुई इस धार्मिक यात्रा में भीषण गर्मी की वजह से 14 लोगों की मौत हो गई और 2700 से ज्यादा लोगों की तबीयत खराब हो गई। यही नहीं, वहां से 17 लोगों के लापता होने की भी खबर आई। मरने वाले सभी लोग जॉर्डन के बताए गए। सऊदी अरब के मौसम विभाग के मुताबिक एक दिन पहले मक्का शहर में पारा 47 डिग्री और मीना शहर का तापमान 46 के पार पहुंच गया था। इसकी वजह से वहां एक दिन में हीट स्ट्रेस और सन स्ट्रोक के 2700 से ज्यादा मामले सामने आए। वहां के मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में तापमान और बढ़ने का अनुमान जताया, इसीलिए सऊदी अरब की सरकार ने हज यात्रा के लिए पहुंचे लोगों से धूप में जाने से बचने और पानी पीते रहने की अपील की। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल करीब 20 लाख मुसलमान हज के लिए सऊदी अरब पहुंचे थे, उनमें गर्मी से 240 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि सऊदी अरब की सरकार ने उनकी मौत की वजह नहीं बताई थी,